और अब आपको सीधा ले चलते हैं लखीमपुर खीरी के निघासन, वहां पर मुख्यमंत्री योगी की सभा चल रही है और साथ साथ कोरोना प्रबंधन के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन, सबको वैक्सीन और हरेक व्यक्ति तक खाद्यान्न पहुंचाने का कार्य किया, राशन पहुंचाने का काम किया है और हमारी जिम्मेदारी थी। हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। कोरोना कालखंड में हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे पदाधिकारी आपकी सेवा करते रहे, लेकिन नए बाबा और कांग्रेस के लिए नहीं थे क्या? एक का नाम पता था क्या? जब चुनाव आएंगे ये लोग निकल आएंगे और चुनाव के अंत गायब हो जाएंगे तो भाइयों को चुनाव में भी इनको गायब कर दीजिए। तैयार है ना? मुझे एक बात बताइए, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर किसने बनाया है? क्या ये काम सपा बसपा कांग्रेस के लोग करेंगे? और भाइयों बहनों, आपके लखीमपुर खीरी में तो अब आपकी जो दशकों से मांग थी कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए, तो मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी हो रही है आपके लखीमपुर खीरी में। मेडिकल कॉलेज बन रहा है ना आपके यहाँ? मेडिकल कॉलेज बनेगा भाइयों के लोग 2023 में, जब इसमें नया सत्र प्रारंभ होगा तो लखीमपुर खीरी के नौजवानों को यहीं पे मेडिकल में एडमिशन भी मिलने की कार्यवाही प्रारंभ होगी। मेडिकल कॉलेज जब प्रारंभ होगा तो भाइयों के लोग, मेडिकल कॉलेज के लिए आपको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा के लिए लखनऊ, दिल्ली, मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, ये आपको लखीमपुर खीरी के अंदर ही प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, ये काम पहले क्यों नहीं हो पाया? याद करिए, अकेले लखीमपुर जिले में हम लोग जब आए थे, हमने पहला काम किया था अन्नदाता किसानों के कर्ज माफी का, और आपके लखीमपुर खीरी के अंदर भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने अकेले लखीमपुर खीरी के अंदर, लखीमपुर खीरी के अंदर 1,45,600 से भी किसानों का लगभग 904 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था अकेले लखीमपुर खीरी के अंदर। प्रदेश के अंदर 86 लाख किसान थे, 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ था, उसमें से 1,45,600 से भी किसानों का कर्ज माफ अकेले आपके लखीमपुर खीरी जनपद के अंदर हुआ। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,30,000 किसान सालाना 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ अकेले लखीमपुर खीरी जिले के अंदर प्राप्त कर रहे हैं। वृद्धावस्था में 1,16,000 वृद्धजन 12,000 रुपए सालाना पेंशन प्राप्त कर रहे हैं आपके लखीमपुर खीरी जिले के अंदर। और भाइयों बहनों, 88,000 विधवा महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना, 88,000 विधवा महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार अकेले लखीमपुर जिले के अंदर उपलब्ध करा रही है। और भाइयों बहनों, 21,000 से अधिक दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा अकेले लखीमपुर जिले के अंदर दे रहे हैं। और यही नहीं, हम लोग लखीमपुर जिले के अंदर भाइयों बहनों, लगभग 40 लाख लोगों को हर महीने 2 बार राशन देने का काम कर रहे हैं आपके लखीमपुर जिले के अंदर। भाइयों बहनों, हम गरीबों का कर्ज माफ, हम किसानों का कर्ज माफ करते हैं, वृद्धजनों को पेंशन देते हैं, विधवा महिलाओं को पेंशन देते हैं।
दिव्यांगजनों को पेंशन देते हैं। हमारी संवेदना गरीब के प्रति है, किसान के प्रति है, नौजवान के प्रति है, महिलाओं के प्रति है, लेकिन इस समाज की सहानुभूति किसके प्रति है, उनकी संवेदना किसके प्रति है? उनकी संवेदना पेशेवर अपराधी माफिया और आतंकवादियों के प्रति है। आपने देखा होगा परसों अहमदाबाद न्यायालय ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है। इन आतंकवादियों ने गुजरात में सीरियल बम ब्लास्ट किया था, 56 निर्दोष लोग मारे गए थे। और भाइयों बहनों, इसमें से जो आतंकवादी फांसी की सजा पाए हैं, इनमें से 8 आतंकवादी उत्तर प्रदेश के भी हैं। इनमें से एक आतंकवादी का पितामह बकायदा समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी है, समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव से, मैं पूछना चाहता हूं 2008 की इस घटना पर अब तक अखिलेश यादव ने अपना स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? इन आतंकवादियों के प्रति की सहानुभूति और संवेदना क्यों है? क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने जैसा नहीं है? जो लोग आतंकवाद को प्रश्रय दे रहे हैं, क्या आप लोग, क्या जनता जनार्दन, क्या उनको वोट देगी? जो लोग देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या जनता जनार्दन का आशीर्वाद उनको प्राप्त होना चाहिए? और भाइयों बहनों, मैं इसीलिए आज आपके पास आया हूं। आज तीसरे चरण का मतदान चल रहा, भारी संख्या में मतदाता मतदान करने के लिए निकल रहे हैं, और लेकिन सभी 16 जनपदों के 69 विधानसभा सीट के सभी मतदाताओं से व्यक्ति गए। उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षा है मुक्त, अराजकता मुक्त, गुंडागर्दी से मुक्त, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, इन सब के हितों के लिए जो कार्य किया है, यह अनवरत रूप से आगे बढ़ता रहे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए अधिक से अधिक मात्रा में वोटिंग करने के लिए वे जरूर जाएं। यहां से अपील करूंगा उन सभी 16 जनपद के 69 विधानसभा सीट के मतदाताओं से, और मैं आज लखीमपुर जनपद की सभी विधानसभा सीट, यहाँ पर वो हमारे प्रत्याशी है, निकासन के लोकप्रिय विधायक और प्रत्याशी श्री शशांक वर्मा, और साथ साथ हमारे धौरहरा से प्रत्याशी श्री विनोद शंकर अवस्थी, इन दोनों के लिए आप सभी से अपील करूंगा कि ये भारी बहुमत से विजयी बनाकर के उत्तर प्रदेश विधानसभा में भेजिए, प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। आप लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, शशांक वर्मा और विनोद शंकर अवस्थी दोनों लोग तब विधायक बनेंगे जब आप पहला काम मतदान करेंगे। पहला काम मतदान, फिर जलपान, पहला काम मतदान, चुनाव के दिन पहले मतदान करेंगे ना? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग कमल चुनाव चिन्ह पर भारी वोटों से विजय बना करके भेजेंगे? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा को निघासन में संबोधित कर रहे थे। निघासन विधानसभा लखीमपुर खीरी जिले में है, और अपने प्रत्याशी के, बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में अभी सभा कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें आप लाइव देख रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। झांसी के एसपी आई इंटर कॉलेज के मतदान केंद्र पर व्हीलचेयर से मतदाता वोट करने पहुंच रहे हैं। दिव्यांग मतदाता न सिर्फ लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बल्कि एक बड़ा संदेश भी दे रहे हैं।
और आपको बताएं कि तीसरे चरण में झांसी की 4 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें इनकरेज करने के लिए, उत्साहित करने के लिए उन मतदाताओं को जो आज के विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता हैं लेकिन अभी तक मतदान करने बाहर नहीं निकले हैं। मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें, उसमें अपना योगदान दें, उसमें अपनी आहुति दें। तस्वीरें देखिए व्हील चेयर पर कैसे मतदान करने के लिए पहुंचे वोटर। आज बारात जा रही है और ये देखिए एक का दूल्हा जिसका विवाह होना है वो कैसे वोट डालने पहुंचा है और दूल्हे की पोशाक में जैसे ये आप तस्वीरें देख रहे थे, एक दूल्हा वोट डालने पहुंचा है दूल्हे की पोशाक में। औरैया विधानसभा के बाबरपुर कस्बे में दूल्हा दुल्हन ने वोट की अहमियत समझाई। रात में शादी की, सुबह विदाई के बाद दूल्हा धर्मेंद्र अपनी नई नवेली दुल्हन अनुप्रिया के साथ लेकर नवीन नगर बूथ पर अपना मतदान करने पहुंचे। तस्वीरें देख लीजिए आप, पिछली रात विवाह हुआ इनका, इस जोड़े का, और उसके बाद विदाई के पश्चात ये दोनों मतदान करने पहुंचे। बाबतपुर कस्बे के नवीन नगर बूथ का ये दृश्य, ये बिल्कुल नए दंपति। और इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है कन्नौज से। कन्नौज के हसेरन क्षेत्र में चुनाव का बहिष्कार किया गया है, ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। एक बड़ी जानकारी, ग्रामीणों का कहना है कि रोड नहीं तब तक वोट नहीं। ग्रामीणों को समझाने में अब प्रशासन जुटा हुआ है और अब तक सिर्फ मात्र 5 वोट डले हैं। सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिल रही है। ग्रामीण अपने अधिकार का इस्तेमाल इस तरह से कर रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां हसेरन क्षेत्र के पूर्वा जादे चा न्याय का ये मामला है। लोगों का कहना है जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। सूत्रों के अनुसार जानकारी यह है कि क्षेत्र में अभी तक मात्र 5 वोट ही डले हैं, लेकिन प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि मनाया जाए, लोगों को समझाया जाए। एक और बड़ी जानकारी, कासगंज में पटियाली में वोटरों ने आरोप लगाया है। पटियाली में वोटरों ने कहा है कि प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कि सपा को वोट डालने का दबाव बनाया जा रहा है। बड़ी जानकारी, ग्रामीणों का कहना है जबरन उनसे समाजवादी पार्टी को वोट डालने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। जब आप वोट डालने गई तो पिताजी ने क्या कह रहे थे? फिर क्या हुआ? फिर बिना के नहीं जा पा जा रहा, मैंने मेरा मन हो तो डाल रहे, तेरे कहे नहीं जा रहे। फिर आपने अपना आप स्वयं वोट डाला है, पीटीसी नहीं डलवा दिया? मैंने अपने आप फिर डालो। क्या हुआ, क्या समस्या है इस बूथ? जब मैं वोट डालने गया तो मुझे इशारा दे रहे थे इस पर साइकिल पे वोट डालिए आप। ये कौन सा बूथ है? ये डिलवरी है। अच्छा, फिर आपने वोट अपने मतदान अपने हिसाब से किया, जबरदस्ती उन्होंने बटन दबा लिया? तो आपने देखा वोटर्स ने कैसे आरोप लगाया पीठासीन अधिकारी पर कि एक राजनीतिक दल को मतदान करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है उनके ऊपर। आतंकवाद के मुद्दे पर अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर आमने सामने आ गए हैं। दोनों ने एक दूसरे पर वार और पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है दोनों ने, ये आपको दिखाते हैं। सवाल अनुराग ठाकुर का है, वो मंत्री है, जिस समय की घटना हुई होगी ब्लास्ट, उसी के आस पास हमें और वो सब लोग एक गाड़ी में बैठ कर के डिफेंस की ऑफिस में गए थे। वहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी की कोई बहुत ट्रेनिंग थी। अगर मैं आतंकवादी हूँ तो वो भी आतंकवादी होंगे। अहमदाबाद बम धमाकों के तार सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। अखिलेश यादव जी अब तक मौन हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। कारण क्या है? आतंकी का अबू जान, समाजवादियों का भाईजान, इसलिए बंद है जुबान। अखिलेश जी की बंद है जुबान। अपराधी, गुंडे, दंगई और अब आतंकी, इनके तार सीधे सीधे समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। क्या है ये कनेक्शन आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ बनाने का? क्या है ये कनेक्शन आतंकवाद पर चुप्पी साधने का? क्या है ये कनेक्शन मौन साधने का और झूठे आरोप दूसरों पर लगाने का? आरोप प्रत्यारोप आपने देखे। इधर झांसी से अपडेट है, वहां पर मतदान जारी है। झांसी के सांसद अनुराग शर्मा भी मतदान करने के लिए पहुंचे और एबीपी गंगा संवाददाता अवधेश मिश्रा ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। झांसी में मतदान चल रहा है और झांसी के सांसद अनुराग शर्मा जी भी मतदान केंद्र पर आ गए हैं।
सांसद जी, मतदान करने के लिए आप आए हैं, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि लोगों से क्या अपील करेंगे कि लोकतंत्र का महापर्व है। जी, मैं सबसे पहली अपील तो ये है कि हर हिंदुस्तानी का फर्ज बनता है और हमारा कर्तव्य है कि हम सब जने घर से निकल कर वोट डालने जरूर जाएं। और वोट डालने तो खाली एक चीज़ याद रखें कि आपका मत जो दिया आप देंगे वो राष्ट्र हित में होगा कि जो लोग आतंकियों के पिताओं के साथ खड़े हुए। अगर हम बात करें मुद्दों की, तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गए और विकास के विजन पर जो बात होती है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको लगता है कि जनता ध्यान में रखेगी वोट करते समय? देखिए, जनता ध्यान में रखेगी कि जो इतनी बड़ी महामारी 100 साल बाद आई है, तो उस समय कोई अगर खड़ा रहा आदरणीय योगी जी को, जिस दिन कोविड से निकले उसके अगले दिन वो झांसी आए थे, सारी जनता को ये याद रहेगा। इस महामारी के दौरान हमारी सरकार ने एक नहीं डबल राशन भी बांटा है। हमारी सरकार ने एक नहीं 14 के 14 ऑक्सीजन प्लांट्स मेरे क्षेत्र में लगाए। एक हॉस्पिटल को 500 बेड का नया हॉस्पिटल तैयार कराने की व्यवस्था कर दी गई है, चालू होने वाला है। मेडिकल कॉलेज ललितपुर में बन गया है। इतनी बड़ी सौगात कि ललितपुर में तो अब नया एयरपोर्ट की भी शुरू हो रहा है। अंजीत के साथ अवधेश, ABP गंगा।